हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। से आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि फ्री फायर मैक्स को पांडा माउस प्रो में कैसे चलाए, तो इसी का आज मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। क्योंकि ये तो इसमें चलता है, बट इसमें की मैपिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यार। इसमें की मैप होता ही नहीं, हुआ ही नहीं है। बाई डिफॉल्ट जो की मैपिंग मिलता है वो इसमें ऑलरेडी नहीं रहता है, तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग की मैपिंग कर सकते हो। एंड इसमें आप लोगों का बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, जैसे कि आपका माउस का कर्सर ब्लैक है उसको वाइट में कैसे कन्वर्ट करें, एंड इसके रिलेटेड बहुत ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने मेन अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लिया है फ्री फायर मैक्स में। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें 3D लॉबी है, तो यार यहाँ पे आप अपना मनपसंद का कार भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रख दिया और इसको रोटेट भी कर सकते हो। वाह भाई वाह। तो यहाँ पे ये सब तो हो गया 3D लॉबी, बट यहाँ पे आप एक अपना मनपसंदीदा गन भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग मेरा कलेक्शन भी देख सकते हो कि कौन कौन से गन्स मैं यूज़ करता हूँ। एंड बाय द वे मैं आप लोगों को बताऊँ तो फ्री फायर पे मैं बहुत ही कम पैसे लगाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इसमें टॉपअप भी नहीं करता, ना ही कुछ इवेंट आता है तो मैं इवेंट भी नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाता और इसमें बस थोड़े बहुत गन्स कलेक्शन है जो जिसे मैं एकदम ईजिली खेल लेता हूँ। तो ऐसे यार गन स्किन मैटर नहीं करता जितना आप लोगों का स्किल मैटर करता है, तो आप लोग अपने गेम प्ले पे फोकस करो, आपका स्किल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अभी देखो मैंने यहाँ पे अपना मनपसंदीदा गन भी लगा लिया। एंड चलो अभी यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हैंड कैम लगा देता हूँ पूरा फुल कनेक्शन करने के बाद, जो आप लोगों को क्लियर स्क्रीन नज़र आए। सो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को जब आप लोग गेम को स्टार्ट करते हो एंड आपका माउस एंड कीबोर्ड दोनों कनेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप अपने सेंसिटिविटी में आओ। तो यहाँ पे मैं जैसे कि आप लोगों को बहुत ही वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई यार सबको जीरो रख दे, एकदम पूरा फुल जीरो, जीरो से हीरो बनना है। तो यहाँ पे उसके बाद देखो अभी जितना जो मेरा कस्टम HUD है उन सभी को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फटाफट अंदाज में, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मतलब मैक्स है, फ्री फायर मैक्स में सब कुछ मैक्स। तो यहाँ पे मेरा पूरा फुल की मैप कर लिया, सेटिंग कर लिया, बस अभी की मैप आप करना बाकी है। तो मैं बहुत ही सारे की यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसमें आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ये आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डबल R को रखता हूँ रिलोड पे, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे बंदों भाई एक प्रॉब्लम आता है माउस कर्सर के रिलेटेड, कि माउस कर्सर मेरा ब्लैक रहता है, वो वाइट नहीं होता, या फिर मेरा 360 वर्क नहीं करता, या फिर मेरा फायर बटन कौन से बटन से मेरा फायर होगा, माउस से कैसे फायर करें। तो ये सब आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी की मैपिंग नहीं है और जितने भी की मैप कर रहा हूँ वो सब मैं खुद से की मैप कर रहा हूँ। तो आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से जब मैंने माउस 2 को रखा वॉल पे, एक और माउस 2 मैं रख रहा हूँ, जैसे मेरा सेटअप ग्लू वॉल एकदम फास्ट लेवल का लाइक PC लगे, जैसे कि आप लोग माइक्रो का यूज़ करते हो। ओके, तो यहाँ पे जितने भी बेसिक सा की मैपिंग है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड अभी तक जो आप लोगों को पता होगा कि पांडा माउस प्रो में एक्टिवेशन कैसे करी थी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आप लोग फ़ोन टू फ़ोन कनेक्ट करके पांडा माउस प्रो को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप लोगों का एंड्रॉयड 11 है तो इसमें भी ये परफेक्टली वर्क करेगा, और वो उसके लिए आप लोगों को ओनली फॉर वन फ़ोन से ही एक्टिवेट कर पाओगे ओनली एंड्रॉयड 11 में। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को उन दोनों वीडियो का लिंक मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ओके, तो वहाँ से आप लोग उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हो कि कैसे आप लोग सिंगल फ़ोन से कनेक्ट कर मतलब एक्टिवेशन कर पाओगे एंड आप लोग कैसे फ़ोन टू फ़ोन पे एक्टिवेशन कर पाओगे। फ़ोन टू फ़ोन आप लोग कोई भी फ़ोन से कर सकते हो और ओनली फॉर एंड्रॉयड 11 में ही सिंगल फ़ोन से एक्टिवेशन हो जाएगा। ओके, तो मैं वीडियो का लिंक वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो एंड उसके बाद वीडियो के एंड होते ही आप लोग उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। ओके, तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो मेरा पूरा फुल की मैपिंग सक्सेसफुल है। अब रहा फायर बटन, तो ये है मेन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फायर बटन को एडजस्ट कर लेता हूँ एकदम साइड में, एंड उसके बाद यहाँ पे फायर को अब मैं एडजस्ट करूँगा कि कैसे आप लोग फायर को यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे नीचे देखो फायर का एक ऑप्शन है। ओके, तो यही फायर है, यहाँ से आप लोगों को इसको फायर वाले सेक्शन पर रख देना है, और ये जो माउस का आपका लेफ्ट क्लिक है उसी से वर्क करेगा
एंड यहाँ पे FIGHT ये वाला जो की मैपिंग अभी मैंने लिया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी से आप लोगों का माउस 360 वर्क करेगा और इसको एकदम खाली जगह पे आप लोगों को रखना है जिससे आप लोगों का यहाँ पे शूट मोड शॉर्टकट इनेबल होगा और यहाँ पे आपको अपना कीबोर्ड का की मैप कर देना है जिससे आपका माउस 360 वर्क करेगा। ओके, जो की आपने शॉर्ट मोड शॉर्टकट में रखा उसी की को प्रेस करोगे तो आपका माउस 360 वर्क करेगा। ओके, आप यहाँ पे WADS को भी एडजस्ट कर लेता हूँ जो कि अलोंग का वर्क करता है जो जॉयस्टिक पे आप लोगों का कंट्रोल बनाए रखता है। तो ये तो हो गया पूरा फुल की मैपिंग और यहाँ से कर देते हैं सिर्फ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मैपिंग समझ में आया होगा कि मैंने कौन कौन सा की मैप कहाँ कहाँ पे रखा है। और बटन ऑब्जेक्टिविटी तो यार बटन को हाइड एंड शो करने के लिए रहता है एंड POV स्पीड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं 2% ही रखना चाहूँगा क्योंकि मुझे कम सेंसिटिविटी या फिर हाई सेंसिटिविटी का हो तो ये मीडियम में रह जाता है। तो आप करते गेम प्ले, तो यहाँ से अभी मैं डायरेक्ट रैंक को लगा चुका हूँ एंड फ्री फायर मैक्स में पांडा माउस प्रो में फर्स्ट गेम प्ले ये होने वाला है। तो देखते हैं कि कैसा गेम प्ले निकलने वाला है एंड अभी तक तो ये पूरा फुल HD में जा रहा है बट पता नहीं अब आगे क्या होगा। मैंने अभी यहाँ पे फिर से सेंसिटिविटी को बढ़ाया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो करते हैं डायरेक्ट पीक पे चलते, चलो सर पीक पे जाएंगे एंड देखते हैं कि वहाँ पे कितना बंदा आता है और मैं किस किस को मार पाता हूँ क्योंकि ये फ्री फायर मैक्स है। तो देखने में बनेगा भाई फ्री फायर मैक्स में क्या ही मस्त मजा आने वाला है। तो अभी देखो ये उतरने का स्टाइल भी इसका अलग है, देख रहे हो, मतलब एकदम लग रहा है कि मुंह के बल ही गिर जाएगा ये बंदा। चलो यहाँ पे अभी तो ये उतर रहा है तो उतरने देते हैं। भाई देखो मैंने अभी इसका पूरा फुल डाटा पैक डाउनलोड नहीं किया इसलिए यहाँ पे, और भाई ये क्या एनिमेशन था भाई, रियली मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारे वॉच कर रखा है फ्री फायर मैक्स का। तो यहाँ पे एक बंदा तो उतर गया मेरे साथ एंड देखते हैं कि अब इसको मैं कैसे मार पाता हूँ। तो यहाँ पे यार ये मार कैसे रहा है बंदा, अबे भाई ये देखो यही इसमें प्रॉब्लम रहता है कभी कभी, मतलब जब फायर करते हो तो फायर आपका डायरेक्ट अटक जाता है, सेंसिटिविटी ऊपर नीचे नहीं होता है, इसीलिए आपका जो माउस कर्सर उसको हाई रेंज शो करते रहो, ये प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं कि ये तो बंदा ऊपर चला, ये देखो फ्रीजर मार रहा है तो उसको मारने से क्या होगा, मैं ऊपर जाऊँगा ही नहीं अभी। तो चलो अभी मतलब इसका टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं कि कौन टाइम में जाए, बेस्ट टाइम में वेट करते हैं एंड उसके बाद जैसे हमको मौका मिले वैसे ही हम लोग चले जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे मैं वॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही एक वॉल मिलेगा वैसे ही मैं एक वॉल को लगाऊंगा एंड उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट मैं चला जाऊँगा। चलो मेरे को वॉल मिल गया, तो अब यहाँ पे अब मैं पहले तो लूट पिक ले लेता हूँ क्योंकि यार अगर वो बहुत ही ज़्यादा मुझे डैमेज पहुँचाए तो मैं एक इनहेलर ज़रूर यूज़ कर लूँ। ओके, तो चलो अब यहाँ से वॉल लगाते हैं एंड उसके ऊपर डायरेक्ट रश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या है वहाँ, अब क्या होगा, मैं मरूँगा या फिर उसको मैं मार पाऊँगा। चलो यहाँ से लगा दिया वॉल, अब डायरेक्ट चलते हैं ऊपर एंड यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब ये देखो, अरे भाई भाई क्रोनो बैठ जा भाई, बैठ बैठ बैठ, रश कर दिया, वाओ व्हाट अ हेडशॉट। तो बस यार उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ऐसी वीडियो हमेशा पाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर करना। तो बस यार दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते चल अगले वीडियो में, तब तक के लिए